गुड मॉर्निंग वेस्टिजियन, मैं मनीष वत्स आपका फिर से स्वागत करता हूँ कृषि ज्ञान पावर्ड बाय वेस्टिज एग्री। मुझे उम्मीद है आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी। आज हम फिर से बात करेंगे आलू की फसल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पहले स्टेप के बारे में, आज हम बात करेंगे दूसरे स्टेप के बारे में कि आलू की फसल में आप जब बुआई कर रहे हैं तो दूसरा स्टेप आपका रहेगा बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट। बीज उपचार का एक मेन मोटो क्या रहता है, अगर बेसिकली अगर बात किया जाए तो सीड ट्रीटमेंट बीज उपचार के दो मेन मोटो रहते हैं। सबसे पहले तो उस सीड का जर्मिनेशन रेट बढ़ जाए, उसका अंकुरण का क्षमता बढ़ जाए, उससे आपका पौधा निकलने की क्षमता बढ़ जाए। दूसरा मेन मोटो क्या रहता है सीड ट्रीटमेंट का, कि अगर उस सीड में कोई डिजीज है, फंगल डिजीज है, फफूंद से होने वाली कोई बीमारियाँ हैं, उनकी रोकथाम प्रॉपरली हो जाए। तो आज हम बात करेंगे कि आप कैसे वेस्टिज के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं आलू की फसल में अगर आप बीज उपचार कर रहे हैं तो आप वेस्टिज के दो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक लिक्विड। सबसे पहले तो इसकी डोज रहेगी आपका 10 ml पर kg सीड में। 1 kg बीज में आप 10 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक क्या करेगा, आपके बीज की अंकुरण की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा, उससे पौधा जल्दी निकलेगा, अच्छे से उसकी जर्मिनेशन होगा, अंकुरण उसका अच्छे से होगा। दूसरा प्रोडक्ट आपका रहेगा एग्री प्रोटेक्ट। जैसे कि आपको पता है एग्री प्रोटेक्ट क्या है, बेसिकली एक फंगी साइड है, फफूंद नाशक है। कई बार होता क्या है, आलू की फसल में फंगस से होने वाली बीमारी की आने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती हैं, तो एग्री प्रोटेक्ट आप इस्तेमाल करा सकते हैं 15 g/kg बीज में। प्रोटेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे आपकी अगर आलू की फसल में कोई भी फंगस से होने वाली बीमारी है उसकी रोकथाम करने में मदद करेगा, उससे आपकी फसल को सुरक्षित रखेगा, उस बीमारी से आपकी फसल को बचाएगा। तो ये था हमारा दूसरा स्टेप सीड ट्रीटमेंट। अगर आपके आसपास के क्षेत्र में आलू लगाया जाता है या फिर अभी आलू की खेती लगानी जब शुरू हो जाएगी तो आप इन वीडियोस को शेयर करके आप आलू वाले किसानों को ये जानकारी दे सकते हैं, उनको आप वेस्टिज कैगरी के प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगेगी, समझ में आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। हम लोग फिर से हाजिर होंगे अगली टिप्स के साथ, कुछ और टिप्स के साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल।